सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर नगर निगम वार्ड 13 स्थित हातिल फर्नीचर बिल्डिंग के समीप सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर अवैध रूप से हो रहे निर्माण कार्य को लेकर पूर्व पार्षद रंजन सिंह द्वारा अंचल प्रशासन को अवगत कराए जाने के बाद भी निर्माण कार्य जारी है। इसी बीच मंगलवार को बिजली विभाग ने उक्त निर्माण स्थल पर दबिश दी, जहां बिजली चोरी का खुलासा हुआ। विभाग के अधिकारी यहां काफी देर तक रुके रहे, मगर भूखंड के स्वामी सामने नहीं आए। निर्माण कार्य की देखरेख कर रहे सुरक्षाकर्मी ने बताया कि कोई गांधी नामक शख्स का यह निर्माण कार्य चल रहा है। पूर्व पार्षद रंजन सिंह द्वारा अंचल अधिकारी को सौंपे गए मांग पत्र में आदित्यपुर दो निवासी आलोक दुबे द्वारा सरकारी जमीन कब्जा किए जाने का जिक्र किया गया है। आवेदन में बताया गया कि उक्त स्थल पर महज एक कट्ठा जमीन ही रजिस्ट्री योग्य जमीन है, जबकि करीब तीन कट्ठा जमीन पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर निर्माण कार्य कराया जा रहा है। हालांकि पूर्व पार्षद के आवेदन पर अंचल प्रशासन ने गंभीरता नहीं दिखाई। इस बीच बिजली चोरी का खुलासा होने के बाद अब देखना यह दिलचस्प होगा कि विभाग कार्रवाई किस पर करती है। मामला यह है कि दो महीने पहले रिवर व्यू कॉलोनी के कुछ लोग हमारे पास आए कि वहाँ का सरकारी रास्ता जो है उसको घेरा जा रहा है, तो मैंने उसका अपने स्तर पर जांच पर अपना जो है पता लगाया, तो पता चला कि आलोक दुबे जो कि लाइन उस पार में रहते हैं, उनका वहाँ पर एक कट्ठा के लगभग ज़मीन था और बाकी सरकारी ज़मीन था जो लोगों को चलने का रास्ता था, जिससे लोग गाड़ी लेकर के जाते थे। उसको जो है रातों रात रात दिन करके जो है उसको स्ट्रक्चर तैयार कर एक कंपनी का रूप दिया जा रहा है, जिसको सुनने में आया है कि सूरज भलानी जो बिल्डर हैं उनको भाड़ा के रूप में उपलब्ध कराया गया है। पिछले महीने 12 सितंबर को सीओ साहब को मैंने इसका जो है ये दिया था कि कंप्लेन कि देखिए सरकारी ज़मीन को घेरा जा रहा है, लेकिन पूजा का माहौल लगता है कुछ बात इन लोग का इंटरनल हुआ होगा जिसके कारण कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाई। तो अभी पता चला कि बिजली विभाग के द्वारा वहाँ पर रेड किया गया है, बिजली भी ये लोग जो है चोरी से डायरेक्ट खंबा से लेकर के और ब्लू स्कोप का फैक्ट्री का जो है निर्माण कराया जा रहा था। तो अभी जो है कल मैं डीसी साहब से मिलूंगा इस संबंध में कि देखिए सरकारी ज़मीन का मतलब इस तरीके से उपयोग किया जा रहा है कि दिन में लोग घेर रहे हैं और सीओ को कंप्लेन करने के बाद भी सीओ कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यह मतलब कि समझिए कि बहुत भारी भ्रष्टाचार का मामला है कि सीओ साहब भी कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं कंप्लेन देने के बाद भी, और इन लोग जो है ज़मीन माफिया लोग जहाँ तहाँ ज़मीन घेर रहे हैं। इसका मैं अभी जो है शाम तक अपने एक मीटिंग करके इसका भारी विरोध करूँगा। ये कितने दिनों से चल रहा था? यह पिछले 1.5 महीने से जो है काम चल रहा है, इन लोगों का 1.5 महीने से काम शुरू किया है। 12/9 को मैंने कंप्लेन दिया है, 12 सितंबर को सीओ साहब को, लेकिन कोई तरह का कार्रवाई नहीं किया गया है। तो कल इसके संबंध में मैं डीसी साहब से मिलूँगा। जी नाम? रंजन सिंह, वर्तमान पार्षद वार्ड 18। किसका है फैक्ट्री? किसका है बोला? नहीं पता भैया। तो तुम गार्ड का नौकरी कर रहे हो, तुमको पैसा कौन दे रहा है? वो गांधी भैया है, उनके सामने गांधी जी दे रहे हैं पैसा। वही रखवाए थे? हाँ। कितना मिलता है सैलरी? 500 रात में रहने का। क्या नाम हुआ? क्या नाम? बिना कनेक्शन के बिजली चल रहा है, अभी हम लोग जो है अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर रहे हैं। किनका है पता चला? नहीं पता चला। कोई यहाँ मिला आपको? वेट कर रहे हैं, वे वो गार्ड साहब हैं। कब से काम चल रहा था? कुछ लेकिन हम लोग को तो आज ही सूचना मिला था, तो आज आए हैं। न्यूज़ विंग के लिए गंगाधर पांडे की रिपोर्ट। डोंट वरी सर, घर आपको टाइम पर मिलेगा और ऐसा मिलेगा कि आपकी उंगलियां भी बरतेंगी। ये देखिए सर, A1 क्वालिटी का सीमेंट लगा रहा हूँ मैं। मजबूती का सारा ठेका हम ही लिए हैं का? अरे बॉडी विदाउट स्ट्रॉन्ग बोन किस काम का? देखिए मजबूत घर चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ अच्छा सरिया भी लगाइए, तभी तो ऐसा घर बनेगा जो